नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। यूट्यूबर एल्विस यादव को स्नैक वेमन केस में कोर्ट से मिली जमानत, 50,000 रुपए के 2 मुचलके पर किया गया रिहा। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने घोषणा की कि पूर्व विधायक अवधेश राय बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। 21वीं सदी का पुष्पक विमान हुआ लॉन्च, कर्नाटक के एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से भरी उड़ान। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद अपना दल कमेरावादी की नेता व विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA हमारे साथ वही कर रहा है जो उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ किया था। वहीं पल्लवी पटेल ने कहा कि NDA से ऑफर आया तो हम विचार करेंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अपने पापा को अपनी किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है। अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए तो रोहिणी अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ऐसे खिलाड़ी है जो टिकट बेचने में माहिर है। लालू जी ने तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, पहले किडनी लिए अब टिकट दिए। गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल का आया पहला बयान, कहा चाहे मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में जहरीली शराब पीने से आज 4 व्यक्तियों की जान चली गई। इससे पहले जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं अब मृतकों की संख्या 12 पहुंच गई है। नाराजगी की अटकलों के बीच हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने की अनिल विज से मुलाकात। इस दौरान सैनी ने अनिल विज के पैर छू कर लिए आशीर्वाद और कहा कि ये हमारे वरिष्ठ नेता है और इनके मार्गदर्शन में ही हमें लोकसभा की 10 सीटें जीतनी है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। पीएम मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर है, जहां पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। यह अवार्ड प्राप्त करने वाले पीएम मोदी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो से सम्मानित किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल के 10 दिन की रिमांड की मांग की है। ईडी ने कोर्ट में दलील देकर कहा कि अरविंद केजरीवाल नई आबकारी नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ता में शामिल है और इसके जरिए रिश्वत ली गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, जहां केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, अकाउंट फ्रिज केस में पुनः मूल्यांकन कार्रवाई के खिलाफ याचिका किया गया खारिज। बता दें कि इनकम टैक्स नियम के उल्लंघन मामले में कांग्रेस पार्टी के खाते के 210 करोड़ रुपए जब्त किए जाने की बात कह रही है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के बैंक खाते से सिर्फ 135.06 करोड़ रुपए विभाग ने वसूले हैं। NIA ने आतंकी संगठन ISIS के मॉड्यूल मामले में विशेष अदालत पटियाला हाउस में आरोप पत्र दायर किया है। आरोपितों पर IS मॉड्यूल के माध्यम से IS के लिए विस्फोटक बनाने, भर्ती करने, धन जुटाने, साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। थाने की 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 350 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर मुंबई के मलाड पश्चिम में सीवर में गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुजरात के भरूच शहर के शंकराचार्य मठ को एक अज्ञात शख्स ने आग के हवाले करना चाहा। इतना ही नहीं, अज्ञात ने मठ के पुजारी के लिए हाथ से लिखा गया एक धमकी भरा संदेश भी चोरा, जिसमें गुस्ताख पीर की सजा सरतन से जुदा लिखा था। फिलहाल पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है और आरोपी की तलाश जारी है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि वह कानून से आंख मिचोली खेल रहे थे। कानून की नजर में सब समान है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नजर में गांधी परिवार का कल्याण ही विकास है। अनार एक ऐसा फल है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अनार का सेवन करने से खून की कमी से लेकर दिल की बीमारियां तक दूर करने में मदद मिलती है।
हरियाणा के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में 106 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। उम्मीदवार 21 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट bpsmb.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के एक निजी फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में भरा जोश, पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने का किया आह्वान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना बाबूलाल के गृह जिले गिरिडीह से राजनीतिक उड़ान भरेगी। वह गिरिडीह के गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेगी। गांडे में कल्पना को रोकना बाबूलाल और भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। अब गांडे से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। घोषित हुआ छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, 3597 उम्मीदवार हुए सफल। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, धार भोजशाला में सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। हिमाचल में राजनीतिक संकट के बीच 3 निर्दलीय विधायक विधानसभा पहुंचे, यहां उन्होंने विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। केएल ठाकुर होशियारपुर और आशीष शर्मा ने विधानसभा पहुंचकर अपना इस्तीफा विधानसभा सचिव को सौंपा। बता दें कि इन तीनों विधायकों को 6 बागी विधायकों के साथ अयोग्य घोषित किया गया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला का फूटा गुस्सा, कहा उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। कोलकाता में ढही इमारत के मलबे से एक और शव हुआ बरामद, अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट। We'll be right back.